मुख्यमंत्री निवास स्थान चंडीगढ़ में सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने झंडा दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को झंडे का एक स्टिकर लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा अनुदान बॉक्स में धनराशि डालकर चंदा एकत्रित करने के कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने देश व प्रदेश के नागरिकों और सैनिकों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि झंडा दिवस देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट और उन जवान सैनिकों को नमन करने का दिन है जिन्होंने न केवल सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ आतंकवादियों से मुकाबला कर शांति स्थापित करने में अपनी जान न्यौछावर कर दी। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि 7 दिसंबर को पूरा देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि झंडा दिवस का मुख्य बुनियादी उद्देश्य युद्ध पीड़ितों के परिवारों का पुनर्वास, सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का पुनर्वास और कल्याण करना है। इस अवसर पर सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक सेवानिवृत्त कर्नल राहुल यादव भी मौजूद रहे। आज पूरे देश में झंडा दिवस के रूप में 7 दिसंबर को मनाया जा रहा है और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को झंडा लगाकर झंडा दिवस को मनाने की प्रक्रिया में यहाँ आए हैं। झंडा दिवस हमारे उन जाबाज सैनिकों जो लड़ते लड़ते दुश्मन से लोहा लेते हुए जिन्होंने अपनी जान नौछावर कर दी इस देश के लिए, आज के दिन हम उनको याद करते हैं और उनकी बेखूबी और उनके परिवार की बेखूबी के लिए हम कुछ धन भी इकट्ठा करने की प्रक्रिया और पूरे देश में नीचे तक, ताकि आज के झंडा दिवस का प्रचार हो, प्रसार हो, हमारे उन जो शहीद हो गए और जो सर्विस में आज के दिन भी देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सब के लिए आम नागरिक के मन में उनके प्रति सम्मान बढ़े, ये मेन उद्देश्य है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।